एमएस एक्सेस, हम स्टार्ट करेंगे एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस को ओपन कैसे किया जाता है वो ध्यान दें आप। सर्च बटन पे मैंने एक्सेस लिखा, ठीक है, और एक्सेस लिखने के बाद मैंने क्लिक किया एक्सेस पे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहां पर ब्लैंक डेस्कटॉप का एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल। हालांकि आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं बट आप ब्लैंक पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने ब्लैंक पर क्लिक किया, ब्लैंक पर जैसे ही क्लिक किया आपने, फाइल नेम यानी आप यहां पर अपना फाइल का नाम देंगे। दूसरी चीज यहां से आप सेट करेंगे कि ये फाइल सेव कहां पर होगी। फर्स्ट पॉइंट क्या करना है आपने, ये करना है। सेकंड आपने ये दिखाना है कि फाइल सेव कहां पर होगी, यानी ये आपका सेव करने के लिए है कि ये फाइल सेव कहां पर होगी। तीसरी चीज है क्रिएट करना, उसके बाद आप क्रिएट करोगे, ठीक है। तो मैंने यहां पर एक फाइल का नाम दे दिया, क्लिक किया, फाइल का नाम दे दिया 21 SCP, ठीक है। साथ में क्या कह रहे हैं कि जब आपने फाइल का नाम दिया तो ये फाइल यहां पर सेव होगी, बट मुझे क्या करना है, चेंज करना है इसका पाथ, ठीक है। तो पाथ चेंज करने के लिए क्या करना है मुझे कि यहां पर क्लिक करना पड़ेगा। तो पाथ चेंज करने के लिए मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद यहां पर आप डिसाइड करें कि आपने फाइल कहां सेव करनी है, ठीक है। तो मैं डेस्कटॉप पर क्लिक कर रहा हूं और इसको जस्ट ओके कर, तो मैंने ओके कर दिया, ठीक है। यानी इस पर क्लिक करके डेस्कटॉप को क्लिक किया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद देन क्रिएट, नेक्स्ट क्या है, क्रिएट। क्रिएट किया, क्रिएट करते ही मेरे सामने इस टाइप की वर्कशीट आ गई, ठीक है। तो अगर मुझे सिंपल टेबल बनानी है, आई रिपीट, अगर मुझे सिंपल टेबल बनानी है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जो मेरी ये टेबल इसके इस पॉइंट पर आऊं यहां, ठीक है। उससे पहले मैं इसमें कुछ डाटा एंटर कर लूंगा, इसके अंदर मैंने क्लिक किया, यहां पर नाम लिख दिया राम, ठीक है, एंटर, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए मुझे, दूसरा चाहिए उसका रोल नंबर, रोल नंबर मैंने डाल दिया, एंटर कर दिया। तीसरा क्या चाहिए, उसकी सैलरी, एंटर कर दिया, ठीक है। सैलरी की अमाउंट डालनी है मुझे यहां, ठीक है। फिर इसकी परफॉर्मेंस, अब आपने क्या करना है कि जितनी भी ये चीजें हैं जो आपकी ये फील्ड सारी हैं, वन बाय वन ये वाली, ठीक है, आपने यहां पर राइट क्लिक करना, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद रीनेम फील्ड, आपने रीनेम फील्ड पर क्लिक करना, आपने रीनेम फील्ड पर क्लिक किया, ठीक है, और यहां पर एक नाम दे दिया, नेम, NAME, नेम, ठीक है। यानी आप देखेंगे यहां पर मैंने नेम कर दिया। दूसरी चीज अगेन फील्ड को क्लिक किया, देन इसको रीनेम किया, ठीक है। यहां पर आपने डाल दिया सपोज उसकी आईडी,
ईएमपी आईडी, थर्ड रीनेम सैलरी, देन रीनेम और यहां पर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये कंप्लीटली टेबल बन गया यहां पर, इसको हम बोलते हैं सिंपल टेबल। ये आपकी सिंपल टेबल बन गई। नेक्स्ट है, आप इसमें कोई भी डाटा फिल कर सकते हैं वन बाय वन, बिल्कुल सिंपल टेबल, इसको हम बोलेंगे सिंपल टेबल। सिंपल टेबल, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं डाटा शीट व्यू। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल टेबल। सिंपल टेबल आप इस तरीके से बना सकते हैं।